की रेले लगा रहे हैं, जैसे अपना देख रहे हो ये पूरा पैकिंग इतनी अच्छी आती है इसकी, ये पूरी डबल लेयर की पैकिंग होती है, रूफ लाइट भी हमारे पास अवेलेबल है, अपना कैमरा प्रॉपरली ओईएम के साथ। ये देखिए भाई अपना थ्रो कुछ अपना चेकआउट करिए भाई, ये देखिए ये टॉप मॉडल वाली है की स्टीयरिंग। हाँ जी भैया सकते हैं आप, जो की हमारी पुशिंग वाली है देखिए आप। हाँ जी अपना 16 इंच वाला जो व्हील होता है वो भी मिल जाएगा, पर सारा काम किया हमने। ये देखिए ये एडजस्टेबल आती है, हमने इसको ऑटो फोल्ड कंप्लीट हो चुका है काम। बाकी ये अपने पास एक और बलिनो आई है, देखो जितनी 9D फ्लोरिंग लगाई है यहाँ पर प्रॉपरली अपनी भाई फ्लेम का। हाँ फोगलेम का फ्लेम जो हमने देख सकते हैं हमने यहाँ दिया है पूरा, ठीक है भाई अपना प्रॉपरली ओईएम फिनिश के साथ भाई हमने डैम्पिंग किया। हाँ, ग्रिल चेंज कर सकते हैं, ठीक है अपना आर्मरेस्ट कुछ चेंज किया, ये वाला हमने लगाया है पहला जो आता है भाई वो MGP अपना OEM, नहीं पता आप लोगों को बताता हूँ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और MGP का मतलब होता है। सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत करते हो अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ चौधरी व्लॉग्स पर। और आज हमारे पीछे जो भाई गाड़ी देख रहे हो आई थी हमारे पास भाई बेस मॉडल बलिनो, जिसको भाई कन्वर्टेड करने वाले आज टॉप मॉडल के अंदर। सो भाई वो दिखाने वाला हूँ पूरी वीडियो के अंदर, और हमारी वीडियो में आज रहने वाले हमारे साथ अपने विपुल भैया। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, करते हैं आज की वीडियो शुरू और दिखाते हैं भाई गाड़ी के अंदर क्या क्या पार्ट्स चेंज हुए हैं और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या एसेसरीज मिलती हैं, OEM MGP सारा माल दिखाने वाला हूं। तो करते हैं आज की वीडियो शुरू, लेट्स गो। तो जैसा देख रहे हैं हम पहुंच गए अपने ऑटो क्लासिक कार एसेसरीज पर, और यहां पर हमारे साथ हैं आज विपुल भैया। कैसे हो भैया? बढ़िया सर बढ़िया, एकदम ठीक हो भैया? और कैसा चल रहा है काम? सब बढ़िया चल रहा है। तो हमने ब्लू बलिनो तो भाई बहुत सारी कर दी, आज हमारे पास ब्रांड न्यू आई है अपनी व्हाइट बलिनो। कौन सा मॉडल लेने वाला है? ये डेल्टा मॉडल है, डेल्टा मॉडल है। बाकी विपुल भैया बात करते हैं, ये बताइए कि आपने इस गाड़ी में आज क्या क्या काम किया है और क्या क्या कर सकते हो आप बेस मॉडल के अंदर? बेस मॉडल होते हैं सर, फर्स्ट तो हम यहाँ ग्रिल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर का ग्रिल लगा हुआ ही आया था, ठीक है, इसमें हम ग्रिल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक फोग फ्रेम हमने चेंज किया है, फोग लैम्प का। हाँ फोग लैम्प का फ्रेम जो हमने सिल्वर लाइनिंग कंपनी वाली लगाई है, क्रोम वाली, ठीक है। हमने इसके अंदर प्रोजेक्टर लगाया और इसके साथ हमने इसमें LED अपग्रेड किया है, ठीक है। प्रोजेक्टर अपना नॉर्मल IPH रहने वाला है? हाँ नॉर्मल IPH है। LED कौन सी डाली आपने? इसमें हमने LED डाली है क्विकसोनिक की। क्विकसोनिक की कितने वोल्ट में रहने वाली है? ये 120 वोल्ट के अंदर, ठीक है भाई लोग अपना 120 वोल्ट के अंदर क्विकसोनिक की अपनी LED डाली है विद फ्रेम अपना देखो, जैसे भाई OEM के अंदर है ना फ्रेम? OEM है, ठीक है भाई। MGP अपना OEM, नहीं पता आप लोगों को बताता हूँ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और MGP का मतलब होता है मारुति जेन्युइन पार्ट्स, ठीक है जी भैया। बात करते हैं ऊपर, और हमने एक प्रोटेक्शन लगाया, ठीक है, साइड गार्ड जो होते हैं, हाँ, चारों कॉर्नर पे बम्पर प्रोटेक्शन लगाया, ठीक है भाई। बम्पर प्रोटेक्शन साइड गार्ड बोल, साइड से अगर बात करें तो साइड में इसकी मिरर जो आती है एडजस्टेबल आती है, ऑटो फोल्ड नहीं होती जी। इसके अलावा हम एक रिले भी लगा रहे हैं, ठीक है वो दिखा देते हैं आज भाई, रिले दिखा देते हैं कैसी होती है। RD की रिले लगा रहे हैं जैसे अपना देख रहे हो प्रॉपरली MGP के अंदर, ऑटो फोल्ड भी हो जाए पूरी RD की रिले लगने वाली, ठीक है। ये अपनी RD की है, और देखो भाई और सबसे अच्छी बात है कोई भी वायरिंग कटिंग नहीं है यहाँ पे, कपलर टू कपलर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कपलर लग गए हैं और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कपलर टू कपलर काम पूरा वर्क, कपलर टू कपलर हो रहा है, और हम अपनी स्पीकर वायर डाल के अपना एडजस्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर ये देख सकते हैं आप, ठीक है भैया। बात करें भैया साइड में अपना ORVMs के अलावा कुछ और हो रहा है गाड़ी के अंदर? नहीं साइड में अभी तो और कुछ नहीं है, बाकी अगर मैं अंदर से बात करूँ तो अंदर से इसमें हमने एक फ्लोरिंग लगाई है, फ्लोरिंग देख सकते हो आप, फ्लोरिंग की भाई लोगों क्वालिटी देने वाली है जो हमारी जी, ब्लैक पे ब्लैक स्टिच वाली 9D रहने भाई वाली अपनी है। 9D फ्लोरिंग लगाई है यहाँ पर प्रॉपरली अपनी भाई अपना जैसा देख सकते हो प्रॉपरली अपनी फिट आ जाते हैं, यहाँ पे आप लोग की सीट वगैरह प्लेसमेंट हो जाएगी। और इसके अंदर हमने एक आर्मरेस्ट चेंज किया, आर्मरेस्ट चेंज नहीं, आर्मरेस्ट नहीं आता इसके अंदर, नहीं डेल्टा में आर्मरेस्ट नहीं आता, हमने आर्मरेस्ट भी चेंज किया अपना, ये लोगों जैसा देख रहे हो ये अपना आर्मरेस्ट कुछ चेंज किया, ये वाला हमने लगाया पहला जो आता है भाई वो ऐसा आ रहा था इसके अंदर डेल्टा मॉडल में, ये लगाया अपना। ये कौन से मॉडल वाला? सिग्मा वाला, ये अल्फा प्लस, अल्फा प्लस हाँ। वाला, ठीक है भाई अपना अल्फा प्लस वाला आर्मरेस्ट रहने वाला है। बाकी इससे लगने के बाद ना लुकिंग ही चेंज, पूरी लुक चेंज हो जाती है। बाकी इसकी गेट पे देख सकते हैं आप डैम्पिंग हो रही है, डबल लेयर डैम्पिंग हुई है भाई, भाई लोगों जैसा अपना देखो प्रॉपरली OEM फिनिश के साथ भाई हमने डैम्पिंग किया। डैम्पिंग के फायदे एक बार बताएं तो डैम्पिंग से क्या फायदा होता है? सर हम डैम्पिंग से फायदा तो ये गेट में अपना हैवीनेस आ जाएगी, हाँ जी, और नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगी, और क्वालिटी साउंड इम्प्रूवमेंट भी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या फर्क आती है, एक बार गेट पूरा काम होने के बाद भी एक और दिखा दूंगा आपको, लाइफ प्रूफ भी दिखा दूंगा, ठीक। जैसे स्टीरियो की बात करें, स्टीरियो लगी आती है, स्पीकर भी लगी आती है इसके अंदर, अगर किसी भाई को सिग्मा मॉडल में लगवानी है जी, तो हमारे पास सारे स्पीकर एंड्रॉइड सारे रेंज के अवेलेबल है जी, वो हम कॉन्टेक्ट कर सकता है जी। इसके अंदर टॉप मॉडल की जो स्टीयरिंग होती है जी वो आती है, ठीक है, और हमारे पास इससे और भी अच्छी वाली स्टीयरिंग, हाँ, इससे हमारे पास जो टॉप मॉडल पूरी अल्फा प्लस वाली है ना वो भी मिल जाएगी, इसमें लेदर रैप होता है, हाँ, इसमें लेदर रैप वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ साइड में क्रूज कंट्रोल भी नहीं है, वर्किंग नहीं है, लेकिन डमी वाली हो जाती है जिससे बहुत प्यारा लगता है। और अंदर से और बात करूँ तो सर अंदर से हम इसके अंदर डैम्पिंग करें,
जी फ्लोरिंग हुई है, आर्म रेस्ट लगा है और सीट कवर भी इंस्टॉल करवा रहे हैं, प्लेटिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई, अपने सीट कवर जो हो रहे हैं भाई एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ हो रहे हैं प्रॉपर। गेट पे भी कुशनिंग हो रही है, अच्छा गेट पे भी कुशनिंग हो रही है, सेम कलर की हो रही है, आप देख सकते हैं बाहर उस पर भी काम है, अभी वर्किंग इन प्रोग्रेस। पीछे से मैं बात करूं, पीछे से हमने इसकी लगाई है कि स्पॉइलर लगाया है, जो कि अपनी पूरी प्रॉपर जेन्युइन रहने वाली है। और कैमरे की प्लेसमेंट देख सकते हैं, हमने यहाँ दिया है पूरा। ठीक है भाई, अपना प्रॉपरली यहाँ पर अपना भाई कैमरे की प्लेसमेंट आ जाती है। और भाई अपना कुछ देखो, ड्रिल करके लगती है सर, ये पूरी ड्रिल करके लगाई है। ठीक है, तो एक बार मैं आप लोगों को शो करता हूँ, अगर दिखेगा मुझे तो भाई लोगों यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रिल होके अंदर से खुल के अपना, और उसके बाद ही अपना कैमरा प्लेसमेंट ऐसे की जाती है। हाँ, अगर किसी भाई को सिग्मा मॉडल में क्या होता है पार्सल ट्रे भी नहीं आता, तो पार्सल ट्रे भी हमारे पास जेन्युइन अवेलेबल है ओईएम के अंदर, वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी सारा जो काम इसके अंदर, पीछे रिफ्लेक्टर चेंज हो सकता है, ठीक है, रोड लग सकती है, रेयर गार्ड लग सकती है, पंपर प्रोटेक्शन हमने लगाया है पीछे, और इसके वाइजर वगैरह सारी चीज हमारे पास अवेलेबल है, मैं आपको दिखलाऊंगा अभी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है भैया, बात करें अपना भाई, जैसा व्हील कवर देख रहे हो, व्हील कवर ये ओईएम है, एमजीपी पड़ा हुआ है, तो अपने पास सेम व्हील कवर अवेलेबल होगा, मिल जाएगा, सेम व्हील कवर भी मिल जाएगा और अलॉय भी मिल जाएगा, अलॉय भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, टॉप मॉडल वाला अलॉय व्हील भी मिल जाएगा, और बाकी नॉर्मल जो व्हील आते हैं भाई इसके, आई थिंक सो 15 इंच आते हैं। तो अपना जैसा देखो प्रोफाइल में आप लोगों को बताऊं, तो भाई ये 185x65R15, तो भाई अपना 16 इंच वाला जो व्हील होता है वो भी मिल जाएगा, 15 इंच में भी मिल जाएगा। बाकी एक बार काम होने देते हैं, पूरा काम हो जाता है, पूरा काम हो जाता है, पूरा हम दिखलाएंगे, और हमारे पास क्या क्या एक्सेसरीज इसके सारे अवेलेबल है वो भी अभी दिखा देंगे लास्ट में। ठीक है जी, तो यहाँ पे विपुल भी अपना काम कंप्लीट हो गया। हाँ, सारा काम कंप्लीट हो गया, बस आगे आईपीएस की प्रोजेक्टर की सेटिंग हो रही है, वो भी वर्क हो जाएगा, वो भी कंप्लीट है, वो भी अभी दिखा देंगे। ठीक है, बात करते हैं जैसा इंटीरियर में आपने काम किया था अपना, वो एक बार दिखा दीजिए कैसा। देखिए सर, इंटीरियर में जो हमने इसमें किया है, हमने एक लेदर की रैपिंग की है इसके अंदर, ठीक है, देख सकते हैं आप, जो की हमारी कुशनिंग वाली है, देखिए आप। हाँ जी, प्रॉपरली कुशनिंग यहाँ पे फील हो रही है मुझे, कुशनिंग वाली है जो की हमारी रहने वाली है। इसके अंदर एक हमने नीचे फ्लोरिंग की थी, जो मैंने आपको पहले दिखला दिया था बेसिक में, ये देखिए फ्लोरिंग वो रखी है, और ऊपर से हमने मैट इंस्टॉल किया है, जो नॉर्मली सर को बस ऊपर कवर करना था डस्ट वगैरह इसके लिए। एक हमने सीट को लगाया, अपना भाई सीट कवर्स की क्वालिटी चेक करिए, वो अपना भाई ब्लू पाइपिंग के साथ होने वाला है, बिल्कुल इंटीरियर के साथ भाई, बिल्कुल कुशनिंग वाली रहने वाली, ये देख सकते हो कुशनिंग एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ है, हर जगह कुशनिंग। हां जी, थाई सपोर्ट वगैरह। लास्ट में सर ने जाते जाते सर ने अपना स्टीयरिंग रैप वाला पूरा ही हमारा स्टीयरिंग भी चेंज भी करवा लिया। ठीक है ठीक है, तो एक बार अंदर रख के दिखाता हूं पूरा फील। तो भाई लोग जैसे अपना देख रहे हो, इसका कुछ फील जो ऐसा आता है, बाकी सर का जो अपना पहला लगा हुआ था वो भाई वही है। हमारे पास ऑप्शन हैं कि आप एंड्रॉइड वगैरह लगा सकते हो, ऑप्शन तो हमारे पास बहुत सारे हैं, स्टार्टिंग जो है हमारे पास 3500 रुपए से लेके हमारे पास 20-25 हजार तक की रेंज के एंड्रॉइड स्टार्टिंग है। बिल्कुल सही बात है, बाकी आप सब देख सकते हैं अंदर का लुक, कुछ अपना स्टेयरिंग व्हील चेंज होने के बाद भाई कुछ ऐसा आ रहा है, बाकी भाई अपना बाकी अंदर इसके अंदर मैंने बताया था जैसे डैम्पिंग हुई है, डैम्पिंग लगाई, स्पॉइलर लगाई है, बाकी मैं आपको एक्सेसरीज दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या क्या एक्सेसरीज मिल जाएगी, और आप देख सकते हैं हमारे अपोजिट एक और बलिनो खड़ी है, उसमें भी अपना काम अभी वो भी मैं बाहर जाके दिखाता हूँ आप लोगों ना, थोड़ा सा कैमरा चेकआउट कराता हूँ मैं। देखिए कैमरा की अपनी क्वालिटी चेक करिए, अभी थोड़ा फ्लैश आ रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए अपना कैमरा प्रॉपर्ली ओईएम के साथ रहने वाले। कौन सी कंपनी का कैमरा डाला है? ये हमने डाला ब्लू पंक का, ब्लू पंक का डाला भाई, अपना ब्लू पंक का कैमरा यहाँ पे भैया, हमने ओरिजिनल सिस्टम पे कैमरा चालू करा है। हाँ, ओरिजिनल सिस्टम पे, इसमें भैया कैनवस वगैरह लगता है क्या? नहीं, एक कैमरा एक्टिवेटर लगता है, वो हो जाता है। ठीक है भाई, अपना कैमरा, और हमने जैसे बताया था कि अपना ऑटोफोल्ड मिरर में हमने रिले डाल के इसको एडजस्टेबल तो होती है, ऑटोफोल्ड भी कर दिया साइड मिरर के अंदर, ऑटोफोल्ड वो एक बार चेकआउट कराते हैं। ये देखिए आप, बर्स को बंद करते हैं भाई, ये देखिए, ये देखिए आप, प्रॉपरली वर्किंग होने वाला है अपना। इसमें हमने आरडी की रिले डाली होगी, आरडी की रिले डाली होगी, इसके अंदर सारा काम किया हमने। ये देखिए, ये एडजस्टेबल आती है, हमने इसको ऑटो फोल्ड किया है, एडजस्टेबल ऑलरेडी था। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आईपीएच की यहाँ पर देखिए सेटिंग हो रही है, ये देखिए भाई अपना थ्रो कुछ अपना चेकआउट करिए भाई, ऊपर नीचे बहुत प्यारा थ्रो यहाँ पे रहने वाला है। एलईडी कौन सी डाली अपनी आईपीएच? इसमें क्विक सोनिक की डाली हमने 120 वॉट। ठीक है भाई, अपनी 120 वॉट अपनी क्विक सोनिक की होने वाली है। बाकी भाई ये अपनी यहाँ पे रिले वगैरह है, प्रॉपर कपलर टू कपलर, कपलर टू भाई, कपलर कोई भी वायरिंग नहीं छेड़ी गई यहाँ पे। बाकी ये जैसे बलिनो के लिए बता रहे थे ना हम भाई, बलिनो देखो एक ये रही, तो भाई बलिनो के नाम किंग बनने वाले यार, किंग है भी बिल्कुल बिल्कुल के अंदर, क्योंकि भाई एसी वेंट वर्किंग हमारे पास है। बस एसी वेंट अभी सर ने करवाया नहीं, बाकी सारी चीज एक्सेसरीज मिल जाती है, मैं आपको दिखलाता हूँ कि क्या क्या एक्सेसरीज है, क्या क्या आपकी मिल जाएगी। ये पूरा तो काम कम्प्लीट हो गया, बस एक क्लीनिंग और इसकी ये हो रहा है। ठीक है भाई, इस गाड़ी में पूरा कंप्लीट हो चुका है काम। बाकी ये अपने पास एक और बलिनो आई है, देखो जय भाई, इस गाड़ी में पूरा कंप्लीट हो चुका है काम। बाकी ये अपने पास एक और बलिनो आई है, देखो जय बलिनो ऐसी कुछ आती है भाई, उसमें हम कुछ ऐसा काम कर देते हैं। देखो भाई कितना आपको डिफरेंस दिख रहा होगा भाई, प्रॉपरली गार्निश वगैरह लगा के, डोर वाइजर वगैरह, सीट कवर, फ्लोर मैट्स वगैरह भाई, म्यूजिक सिस्टम भाई, सेंटर लॉकिंग, सारी चीज कर देते हैं ना भाई। बिल्कुल, ये सिग्मा मॉडल है, डेल्टा मॉडल है। हाँ भाई, ये सिग्मा मॉडल है, बिल्कुल बेस है ये भाई, उससे थोड़ा सा ऊपर है, ये डेल्टा मॉडल है। तो बाकी भाई इस गाड़ी में हम क्या क्या काम करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, बाकी अंदर चलेंगे और अंदर चल के दिखाएंगे हमारे पास
OEM, OEM और MGP एक्सेसरीज क्या 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 वो सारी दिखला। तो विपुल भैया यहाँ पे ना अपनी गाड़ी चली गई बलिनो, ठीक है, व्हाइट वाली जो आई चली गई, भैया को टाइम भी नहीं था, थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए ज्यादा लेट हो रहे थे। तो जैसा हमने अपना वादा किया था कि हम ऊपर जाएंगे और हम लोग दिखाएंगे कि एसेसरीज हमारे पास क्या 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 एसेसरीज अवेलेबल है, कैसी कैसी रेंज में सीट कवर मिल जाएंगी, सारी की सारी मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर एसेसरीज की बात करें तो हमारे पास जो मेनली होता है, एक तो टॉप मॉडल वाली स्टीयरिंग होती है, हाँ जी ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आपके सामने ऐसे ही सील पैक, ठीक है, कस्टमर के सामने भी खुलती है और वहीं पर ऐसे लगती है। ये देखिए ये टॉप मॉडल वाली है स्टीयरिंग, हाँ जी भैया, हाँ जी, जो कि हम बोलते हैं हर गाड़ी में लगाएंगे हम, हाँ जी, जो भी अपनी अपनी मारुति की गाड़ी है, मारुति की हर गाड़ी में, जैसे अपनी स्विफ्ट, बलिनो, ब्रीजा, सब में ये लग जाती है, ये वाला स्टीयरिंग अपना लग जाता है, ठीक है। ये तो स्टीयरिंग की बात हो गई, हाँ, हब के साथ, प्रॉपर हब के साथ ये सब करके मैं 4500 रुपए की लगा के दे रहा हूँ। बिल्कुल, अगर कूरियर करवाना तो कूरियर भी इसी रेट में हो जाएगी, सेम रेट में कूरियर चार्ज हो जाएगी। और जैसे कि हमने बताया सर आर्मरेस्ट, ठीक है, ये भी अपना एमजीपी है, MGP है सर, ये भी प्रॉपर अपना MGP रहने वाली गाड़ी का है, बलिनो का, ये बलिनो का है, ठीक है भैया। हमारे पास ब्रीजा, बलिनो सबके अवेलेबल है, ठीक है, मिल जाएगी। तो ये देखिए आपके खोल के दिखाते हैं, तो देखिए भाई इसमें इस तरीके का कुछ स्पेस आता है और अपना भाई प्रॉपरली MG प्रॉपर पूरे पार्ट के अंदर आते, पीछे का पार्ट भी होता है, इसके साथ रेयर एसी भी बोलेंगे चालू करने के लिए, तो चालू करके दे देते हैं, उसका अलग चार्ज है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है भैया। इसका बात करें तो इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, जैसे आर्मरेस्ट की बात करें तो सर आर्मरेस्ट हमारे पास 4000 की रेंज से मिल जाएगी आपको, 4000 की रेंज में, ठीक है। नॉर्मल जो आर्मरेस्ट आता है बेसिक रेंज में, वो वाला कितने का होगा, वो वाला फायदा नहीं है सर लगाने का, एमजीपी की जैन में लगाइए 4000 की रेंज में। बाकी अगर किसी को यूएसबी चालू करवानी है, यूएसबी भी चालू हो जाएगी, बिल्कुल, और रेयर एसी चालू करवाना वो भी हो जाएगा। जैसे आप इनर हैंडल लेते हैं ये भी मिल जाएगी, हमारे पास सारे आइटम जो मिलेगी वो 10% डिस्काउंट पे मिलेगी, बिल्कुल, ये जितने भी एमजीपी मिल रहे हैं, जितने भी एमजीपी मिल रहे हैं ये देख सकते हैं आप, पीछे के पार्ट हो गए सारे, ऊपर की रूफ लाइट हो गई, ये दिख लाऊं अगर इसकी बात करूं तो ऊपर की रूफ लाइट भी हमारे पास अवेलेबल है, ये भी मिल जाएगी, ये भी एमजीपी के अंदर है भैया, प्रॉपर एमजीपी, ये देख सकते हैं मारुति जैन में, इसका यहीं पे ऊपर स्विच होता है, जेन्युइन पार्ट, बिल्कुल प्रॉपर सारी चीज मिल जाएगी, पार्सल ट्रे भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। ये अपनी भाई पार्सल ट्रे होने वाली है, जैसा अपना देख रहे हो, ये भी एमजीपी के अंदर है ना, सब एमजीपी के अंदर है सर, ठीक है। और इसकी बात करें तो हम करिए देखिए, जैसे टॉप मॉडल में साइड मिरर लग के आती है ना, वो वाली है साइड मिरर है, अच्छा अच्छा, ये पूरा पैकिंग इतनी अच्छी आती है इसकी, ये पूरी डबल लेयर की पैकिंग होती है, सामने आपके सामने सील, इसकी टेपिंग हटा रहा हूँ, कस्टमर आते हैं उनके सामने भी ऐसी टेपिंग हटती है, पूरा देखिए कपलर टू कपलर होता है, ये कपलर में निकाल रहा हूँ, हाँ जी भैया, ये देखिए कपलर टू कपलर पूरा होता है, ये कपलर निकालो, ये कुछ इस टाइप से रहने वाली है अपनी। तो भैया इसमें ये ब्लैक कलर है, जैसे ग्लॉस ब्लैक है, तो इसमें और कौन कौन से कलर आ जाते इसमें सर के ब्लैक ही आती है, अच्छा, जैनमेन में ब्लैक आती है, में ब्लैक, हाँ, बाकी है। अगर आपको किसी और कलर के हिसाब से करवाने तो इस पे टेपिंग वगैरह होती है, बिल्कुल बिल्कुल, अलग से चार्ज लगेगा उसका, ठीक है भाई। जैसा अपना देखो ना, इसकी ORVM की ना क्वालिटी ना बहुत प्यारी है यहाँ पर भैया, ये भी एमजीपी है, प्रॉपर एमजीपी है सर, ये देखिए मारुति सुजुकी जैनमेन पार्ट, ठीक है भैया। जो भी सर हमारे पास पूरा मिलेगा वो आपको सील डब्बा खुल के मिलेगा, ये नहीं की यूज पार्ट मिलेगा, प्रॉपर पूरा न्यू पैक मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। इसके बाद मैं बात करूं तो सर सीट कवर की तरफ हम चलते हैं, सीट कवर भी हमारे पास अवेलेबल है, मैं वो भी दिखलाता हूं आपको, ठीक है। सीट कवर जैसे देखिए बलिनो के सीट कवर में हमारे पास ब्लैक एंड रेड स्टिच मिल जाएगी, ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू स्टिच मिल जाएगी, इम्पोर्टेंट के अंदर है, इम्पोर्टेंट फैब्रिक के अंदर है सारा, किसी को कस्टमाइज करवाने तो कस्टमाइज भी हो जाएगा, अच्छा 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 अच्छा। तो भाई अपने जैसा देख रहे हो इम्पोर्टेड फैब्रिक के साथ होने वाला है भाई, इसकी प्रॉपर्टी ये ग्लेंजा की अपनी फिट, देखिए ये ग्लेंजा का अपना, ये फॉर ग्लेंजा, आपको अगर बैजिंग करानी तो बैजिंग भी हो जाएगी, आपको नॉर्मल चाहिए विदाउट बैजिंग तो वो भी हो जाएगा, है ना भैया, बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी। आप देख सकते हैं हमारी सीट कवर खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी सीट कवर्स ना आपको भैया के पास जितनी अच्छी प्राइस में और रेंज में मिल जाएंगे ना, जितनी सारी क्वालिटी मिल जाएगी, मेरे को लगता नहीं करोड़ लाख में कोई दे पाएगा, बिकॉज ऑफ भैया का भाई खुद अपना मैन्युफैक्चर है, हम भाई अपने सेकंड फ्लोर पे हैं, इसके ऊपर थर्ड रास्ता फोर्थ फिफ्थ और उसके बाद तीन फैक्ट्री, दो फैक्ट्री उधर लगी हुई है जहाँ पे अपना काम चल रहा है, राइट भैया, यस सर, ठीक है भैया। अपना जैसा देखो भाई कुछ इतना माल यहाँ पर रखा हुआ है, बाकी नीचे बाकी सर ये तो कुछ नहीं, ऐसे स्टॉक हमारे पास गोदाम दो तीन और है, उसमें भी हमारे पास सारा सामान मिल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। एट द टाइम आप कभी भी आओ, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एट द टाइम आपको पूरी की चीज मिलेगी, फुलफिल होगी, बिल्कुल। जो चीज नहीं हो पाएगी हम पहले ही साफ मना कर देंगे कि सर ये चीज नहीं हो पाएगी, अभी नहीं है स्टॉक के, बिल्कुल सही बात है। जैसे भैया ना हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे हमारे व्यूअर अगर मान लीजिए किसी को कल काम कराना है तो आपसे एक दिन पहले पूछ लें, अगर एक दिन मुझसे पहले अपॉइंटमेंट ले लेंगे सर ये है तो उनका स्लॉट बुक कर देंगे, हाँ सर
उसी टाइम से अपने सारे काम करवा लीजिए। बिल्कुल 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 भाई, सारे अपने जो बंदे हैं वो और कभी कोई अचानक भी आता तो ऐसे की नहीं कि उनके लिए भी काम नहीं हो पाएगा, उनका भी सामान हमारे पास अरेंजमेंट होता है, हमारे पास एट द टाइम हर गाड़ी के 20-20 स्टॉक अवेलेबल रहते हैं, अगर जेनविन में चाहे तो जेनविन में भी मिल जाएगी और सीट कोर भी देखे तो सीट कोर में भी हमारे पास सारा मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बाकी बलिनो की अपनी कार एसेसरीज के बारे में बात करें, अपनी एसेसरीज तो सारी होंगी, सारी एसेसरीज है, वो एसेसरीज ऑन MRP 10% ऑफ, 10% ऑफ सारा। ठीक है भाई, अपना गैलियो वगैरह का सब कुछ ब्रांड, सब कुछ मिल जाएगा सर, जेनविन नेक्सा का भी मिल जाएगा हमारे पास, डोर वाइजर सब कुछ मिल जाएगा। बाकी ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और दिखलाता हूँ, हमारे पास पूरी स्टॉक आने वाली है, वो भी मैं सारी चीज दिखा। अब देखो भाई, स्टॉक अभी इतना पीछे यहाँ पे रखा है और नीचे भी रखा है, ऊपर भी रखा है भाई, मतलब माल की कमी नहीं, माल की शॉर्टेज नहीं है, ऑर्डर लगते रहते आते रहते हैं, आते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वीडियो मुझे लगता है काफी लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो एक बार ना अपना एड्रेस बता दीजिए सर। मेरा एड्रेस जो पड़ेगा करोल बाग के अंदर है, आप जैसे हनुमान मंदिर की तरफ से आते हैं थर्ड कट पे आपको धनलक्ष्मी बैंक दिख जाएगा, उसके अपोजिट देखेंगे तो आपको ऑटो क्लासिक का बैनर दिख जाएगा। अगर किसी को अगर आने में तकलीफ हो रही है तो मुझसे लोकेशन भी मांग सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है भैया, बाकी अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी तो भैया को व्हाट्सएप कर सकते हैं। भैया अपना मोबाइल नंबर एक बार बता दीजिए। भैया मेरा फोन कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा 9540544613। ठीक है, बाकी भैया ने अपना मोबाइल नंबर बताया, बाकी भाई डिस्प्ले पे भी आ रहा होगा, बाकी भाई कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर लेंगे, मैं भैया कमेंट भी कर सकते हैं और दूसरा नंबर भी बता दे रहा हूँ, भाई का नंबर है उस पर भी कॉन्टेक्ट, दीपक भाई का 7678687763। ठीक है, दोनों नंबर है आपको डिस्प्ले पे ऑलरेडी शो हो रही है, बाकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। तो आज के लिए भैया थैंक यू सो मच वीडियो बनवाने के लिए, बाकी भाई लोगों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।